कोई बाल बच्चा नहीं है, मैं अकेली हूँ। आठ दिन से मैं मर रही हाथ है, आज हुआ जाओ, कल हुआ जाओ, परसों हुआ जाओ, दो दो घंटा पर नंबर लगाना पड़ता, फिर वाला जाओ कल आना, करे मेरे को कम से कम गोली तो दे दो, पेट आराम होगा। पानी करो तो हथकड़ी लागो, मांग के खाओ तो शर्म लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम। साहब ये दर्द के आंसू हैं, ये गुस्सा है सरकारी सिस्टम पर, ये दुख है अपनी तकलीफ की जो इन आंसुओं से बह रही हैं। ये आंसू कोस रही हैं सरकारी अस्पताल को, ये बददुआएं दे रही हैं उन डॉक्टरों को जो इनका इलाज नहीं कर रहे हैं। ये आंसू वो आंसू हैं जो सच बता रही हैं कि सरकारी सिस्टम का क्या हाल है। दरअसल ये पानीपत का सरकारी अस्पताल है जिसे करोड़ों की लागत से बनाया गया है, लेकिन यहाँ के हालात क्या है वो ये महिला के आंसू बता रही हैं। महिला का नाम है सुशीला देवी। महिला बता रही है कि वो 8 दिन से लगातार अस्पताल में आ रही है, लेकिन उसे हर रोज यहाँ से भगा दिया जाता है। कभी अस्पताल के इस कमरे तो कभी उस कमरे में धक्के खिलाए जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला फिर भी कोई नहीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 दिन हो चुके हैं महिला को दवाई तक नहीं दी गई। महिला कहती है कि वो रोज 2 घंटे लाइन में खड़ी रहती है और फिर उसे कल आने की बात कहकर वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन आज महिला का सब्र टूटा तो उसका गुस्सा सरकारी सिस्टम पर इस कदर फूट पड़ा। कोई बाल बच्चा नहीं है, मैं अकेली हूँ, 8 दिन से मैं मर रही हाथ है, आज हुआ जाओ, कल हुआ जाओ, परसों हुआ जाओ, दो दो घंटा पर नंबर लगाना पड़ता, फिर वाला जाओ कल आना, करे मेरे को कम से कम गोली तो दे दो, पेट आराम होगा। कहाँ पर रहते हैं आप? हम राजनगर 2 नंबर गली में रहते हैं। आए कहाँ थे यहाँ? राजनगर से आए हैं, वो 15 नंबर है, किस में एक सिरा होता है, सब चाय पी रहा है घूस वाला सब। कहाँ, क्या कहता है आपको? कहता चले जाओ यहाँ से, कल आना, आज नहीं आएगा, अगर आज हम मर जाए तब क्या होगा, मेरा तो बच्चा अभी नहीं है, कोई भी नहीं है, देख रोटी देगा। वहाँ भी जाओगे? कितने दिन हो गया आपको आ रहे हो? 7-8 दिन हो गया, सुनवाई नहीं कर रहा आपको? कोई सुनवाई नहीं करता है। आपने किसी को बोला यहाँ? सबका गाली दे के आए हमें। जो और बंदे हैं उनकी चेकअप हो रहा है? पता नहीं चेकअप हो, सब चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है फ्री का, सरकारी पैसा भी ले रहा है और पब्लिक को मार रहा है। सरकार तो कहती है सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, सरकार बना रहा पब्लिक का, जिसका बाल बच्चा कोई कमाने वाला नहीं उसको नहीं, या जिसका कोठी बिल्डिंग है उसको दे रहा है। गरीब को राशन भी कट गया, जो किराए पर है राशन भी कट जाए, हमारे बर्गु के राशन चोरी करो तो हथकड़ी लागो, उनके सब चीज मांग के खाओ तो शर्म लगे। राजनगर 2 नंबर से। महिला का गुस्सा और दर्द दोनों ही देखने को मिला। महिला का कहना है कि उसके बच्चे नहीं हैं, वो अकेली है और वो पानीपत के राजनगर की रहने वाली है। गुस्साई महिला ने कहा कि दफ्तर में बैठकर सरकारी बाबू चाय पी रहे हैं, सरकारी पैसा लेते हैं और पब्लिक को मार रहे हैं। वहीं इलाज कराने आई दूसरी महिला का क्या कुछ कहना था वो भी सुनिए। हम दवाई लेने गए जी, एक्सरे उतार दिया, बोले एक्सरे में 112 में जाओ, कुछ नहीं आ रहा एक्सरे में। मैं बोली सर पाँव से चला नहीं जाता, बट्ठा नहीं जाता सर, मेरी लोटे भी नहीं गा, क्या लगा कुछ नहीं है, तो एक्सरे में पाँव भी प्रॉब्लम ठीक है, ये भी ठीक, जब ठीक है सांस क्यों नहीं आ रहा। बोले दवाई लिख दे, दवाई दे, धक्के खाकर टूब जबरदस्ती लिखवा कर लाई मैं, बोला जा बस झिड़ के दे, वो दे दी दवाई, बोला दवाई ले लिया, कुछ नहीं। गरीब अरे बेटा, हम तो पता नहीं कितनी बार आ लिया इसमें, बेटा आवे चले जाओ, आवे चले जाओ, आवे चले जाओ बेटा, राजनगर से ही आए बेटा, किराए पर ही। सरकार तो कहती है सरकारी हॉस्पिटल में। अरे कुछ नहीं सरकारी, सरकारी कुछ नहीं है बेटा, सरकारी आँख से दिखता नहीं, खराब हो रही है बेटा, इससे भी नहीं दिखता। आपने डॉक्टर को बोला नहीं अंदर जाकर? बोला डॉक्टर तो बस ये लिख दी बेटा, जब जाएंगे अब बोलने वाला वही जो ना बोला बेटा वो तो मरेगा बेटे। ये मेरा नाम सुकंतला बेटा। तो देखा भी आपने और सुना भी आपने, ये आंसू सच के आंसू हैं जो तकलीफ के आंसू हैं। महिला का नाम सुशीला देवी है जो परेशान हो गई है इस सरकारी सिस्टम से। तो आप लोगों से अपील करती हूँ कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।